जी नेक्स्ट है हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़। अब हम प्रिवेंशन मतलब बच कैसे सकते हैं वाटर बॉर्न डिजीज़ से। वाटर बॉर्न डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग द फॉलोइंग मेजर्स। प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर, एक तो हमें साफ़ सुथरा पानी मुहैया होना चाहिए करना। ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्रॉपरली ट्रीटेड एंड प्योरीफाइड। जो पीने का पानी है वो साफ़ होना चाहिए और उसको अच्छे से ट्रीट किया गया हो वो पानी मिलना चाहिए। जी नेक्स्ट है हमारे पास डिस्पोजल ऑफ सीवेज। तो जो गंदगी है उसको अच्छे से ठिकाने लगाया जाए, उसकी निकासी का बेहतर इंतज़ाम किया जाए। देयर मस्ट बी एडिक्वेट सैनिटरी डिस्पोजल ऑफ सीवेज, मतलब मुनासिब इंतज़ाम होना चाहिए सीवेज की सफाई का, उसकी निकासी का। एनी टाइप ऑफ वेस्ट मस्ट नॉट बी थ्रोन और डिस्चार्ज डायरेक्टली इन वाटर। किसी भी किस्म के गंदे मादे को, वेस्ट को नहीं, डायरेक्टली ना फेंका जाए वाटर में एंड सप्लाइज और रेजरवॉयर्स। कंट्रोल ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स और जो जहरीले केमिकल्स हैं उनका, उन पर काबू पाना चाहिए। केमिकल्स कंटेमिनेशन कैन काज एक्यूट इलनेस, शदीद किस्म की मतलब बीमारी की वजह बन सकते हैं। बट ऑफन टॉक्सिक कंटेमिनेंट्स आर स्लो पॉइजन्स एंड कार्सिनोजेंस। देयर मस्ट बी अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स। तो बहुत सख्ती से काबू पाना चाहिए, जो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल है और केमिकल्स का इस्तेमाल है इस पर सख्ती से काबू पाना चाहिए। इसके बाद टेस्ट योर सेल्फ है। ये तमाम क्वेश्चंस आपके जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है, डिजीज़ पढ़ी उन्हीं में से हैं। डिफाइन वाटर बोर्न डिजीज़, ऐसी बीमारियां जो कि गंदा पानी इस्तेमाल करने से, उससे बना हुआ पीने से या उससे बना हुआ खाना खाने से होती हैं, इन्हें वाटर बोर्न डिजीज़ कहा जाता है। व्हाट इज़ डायसेंट्री, विच ऑफ द बैक्टीरिया काजेज द कॉलेरा। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरोसिस। व्हाट इज़ हेपेटाइटिस। इसके बाद है आपके पास केमिस्ट्री ऑफ स्विमिंग पूल क्लीनिनेस। स्विमिंग पूल आर क्लीन बाय क्लोरीनेशन प्रोसेस। स्विमिंग पूल को क्लोरीनेशन प्रोसेस से क्लीन किया जाता है। इट इज़ द एडिशन ऑफ क्लोरीन सॉल्यूशन इन स्विमिंग पूल। क्लोरीनेशन प्रोसेस क्या है कि स्विमिंग पूल के अंदर क्लोरीन सॉल्यूशन को ऐड किया जाता है। क्लोरीन किल्स बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लोरीन इटसेल्फ डज नॉट किल, रेदर इट, वो कहते हैं कि क्लोरीन खुद से किल नहीं करती, जबकि इट डिसोसिएट इन वाटर टू फॉर्म हाइपोक्लोरस एसिड। ये पानी के अंदर डिसोसिएट हो जाती है और हाइपोक्लोरस एसिड बनाती है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नीचे आपके पास रिएक्शन है। क्लोरीन ने वाटर के साथ रिएक्ट किया और हाइपोक्लोरस एसिड बनाया, इसके साथ हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन। हाइपोक्लोरस एसिड फर्दर आयोनाइज टू प्रोड्यूस हाइपोक्लोराइट एंड प्रोटोन। तो आपके पास प्रोटोन है और हाइपोक्लोराइट है। बोथ द प्रोडक्ट्स हाइपोक्लोरस एसिड एंड हाइपोक्लोराइट किल बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये आपका काम है और आपने प्रिवेंशन जो है वो होमवर्क में लिखनी है और इसको अच्छे से याद करना है। अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। फी अमानिल्लाह।